अगला प्रश्न, अगला सत्य अमृतपाल से जुड़ा है, उसे भगोड़ा कह सकते हैं, देशद्रोही कह सकते हैं, खालिस्तान समर्थक कह सकते हैं, लेकिन है कहां ये सत्य किसी को पता नहीं। पंजाब की पूरी पुलिस, और न सिर्फ पंजाब की पुलिस बल्कि सीक्रेट एजेंसीज, इसके अलावा जो भी हमारी NIA सरीखी कुछ और जांच एजेंसियां हैं, वो भी सब अमृतपाल को ढूंढने में आकाश और पाताल एक कर रही हैं। और इस बीच अमृतपाल सामने आता है एक वीडियो के जरिए और फेसबुक पर अपना वीडियो अपलोड करता है, दुनिया भर के सिख युवाओं से साथ आने का एक तरीके से आह्वान करता है, खुली चुनौती देता है, खुली धमकी देता है पूरे अमृतसर में, न सिर्फ अमृतसर में बल्कि पूरे पंजाब में एक तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन अमृतपाल कहां है, क्या सरेंडर करेगा या फिर इसी तरह की साजिश करता रहेगा, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। भगोड़ा अमृतपाल कहां है, इस सवाल को यक्ष प्रश्न माना जा सकता है। सरकार, पुलिस और तंत्र सबके हाथ खाली है, किसी के पास अमृतपाल का कोई सुराग नहीं। ।18 मार्च से अमृतपाल पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है, चूहे बिल्ली की तरह चोर सिपाही का खेल खेल रहा है। भगोड़ा अमृतपाल कभी सरेंडर का नाटक करता है, सरेंडर से जुड़ी 3 शर्तों की मनमानी रखता है और फिर धमकी भरा वीडियो जारी करता है, पूरी दुनिया के सिख समुदाय को भड़काता है, विक्टिम कार्ड खेलता है। उते सारा कुछ सानू सहना पैना, पर इहदे खिलाफ आवाज चुकनी साडा कौमी फर्ज है। सो मैं सारी सिख कौम नू देशां विदेशां दे विच वसदियां नू अपील करदा हां ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੁਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਯਹਾਂ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕੇ ਕੋ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਟਕਰਾਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਯੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। इस बीच पुलिस बेबसी से सिर्फ अमृतपाल के सरेंडर का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो कहाँ छिपा है इस बाबत पुलिस के पास कोई लीड नहीं। अमृतपाल का पूरा परिवार भी अंडरग्राउंड हो गया है। देखो, ये सब कुछ आपसे ही पता चल रहा है, ये हमें मीडिया से ही पता चल रहा है कि वो पेश हो रहा है, वो यहाँ आ रहा है, इसमें हमें हमारे पास कोई इनपुट नहीं है। हमें तो पूरा अपना लॉ ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, हमारे पास कोई भी अगर बंदा आएगा पेश होने के लिए हम उसको पेश कर लेंगे जो कानून के मुताबिक। अमृतपाल का फरार हो जाना भगवंत मान सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। हाईकोर्ट 2 बार मान सरकार पर तल्ख टिप्पणी कर चुका है और विरोधी लगातार हमलावर है। सी, मैं इन्ना ही कहना चाहना है भगवंत मान नू कि जेडे इनोसेंट बंदियां नू फड़ फड़ के पुलिस, बहुत नौजवान बच्चे जेडे जिन्होंने कितने शेयर की पोस्ट या कोई कितने लाइक की है, कोई अमृत छक है, उन्होंने फड़ फड़ के तुसी अंदर जेलां च पाओगे, की मैसेज दे रहे हो। ऋषभ सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, जो शायद इस सवाल का जवाब हम तक पहुंचा पाए। ऋषभ, कल पूरा पुलिस फोर्स एक तरीके से अमृतसर में इकट्ठा रहा कि कब अमृतपाल आएगा और सरेंडर कर देगा। इधर सरेंडर की तमाम इंफॉर्मेशन थी, उसी के आधार पर लीड चल रहा था, लेकिन इधर अमृतपाल एक वीडियो जारी कर देता है जो कि ब्रिटेन से अपलोड होता है। आज दिन भर इस तरह की सरगर्मियां रही, क्या माना जाए कि धूल में लाठी पुलिस चला रही है और कोई किसी तरह का कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास है नहीं? देखिए गर्मा, 24 घंटे के अंदर सबसे पहले अमृतपाल ने वीडियो जारी किया, वीडियो सरेंडर के कयास लग रहे थे, लेकिन सबसे पहले उसने वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करने के बाद आज उसने दोबारा एक ऑडियो जारी किया, ऑडियो में वो बोल रहा है कि मैं कोई पुलिस कस्टडी में नहीं हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि वो पुलिस कस्टडी में वीडियो बनाया तो ऐसा नहीं है, लेकिन साथ साथ उसने ये भी कहा कि हाँ, मैं थोड़ा स्वास्थ्य से अभी ठीक नहीं हूँ, मैं थोड़ा पतला हो गया हूँ क्योंकि मैं खाना समय पर नहीं खा पा रहा हूँ, इसलिए मेरा हेल्थ थोड़ा डाउन है, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं कोई पुलिस कस्टडी में नहीं हूँ। और कहीं पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस भी थोड़ा सा आत्म इच्छा, जो उनकी आत्मशक्ति है वो कम दिख रही है, क्योंकि आज DCP का बयान आता है कि उनके घर वाले गायब हैं। कैसे गायब हो गए, जब वहाँ पे प्रोटेक्शन था, जब वहाँ पे लोग थे, जब वहाँ पे प्रशासन था, तो कैसे गायब हो गए? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि DCP बोलते हैं कि वो जहाँ चाहे वहाँ सरेंडर कर सकता है, तो क्या आप वेट कर रहे हैं कि वो सरेंडर करेगा? तो 12-13 दिन से पंजाब पुलिस कर क्या रही है वहाँ पे, वो वहाँ पे करना क्या चाहती है? उसके बाद कहीं ना कहीं और भी सवाल उठते हैं, जब से अजनाला में
अजनाला कांड हुआ उसके बाद से पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस इस पे नजर बना के क्यों नहीं रखी हुई थी, क्योंकि इतना बड़ा कांड होता है एक थाने से जाके खुलेआम वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब ले जाके वहां से एक सवाल के बाद दूसरा, दूसरे सवाल के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और फिर पांचवा, बहुत सारे सवाल है। अमृतपाल है कहां ये किसी को पता नहीं, और सारी सीक्रेट एजेंसीज इस समय फिलहाल बेदम नजर आ रही है। हाईकोर्ट लताड़ पर लताड़ लगा रहा है भगवंत मान सरकार को, लेकिन जवाब दरअसल किसी के पास है नहीं। और उधर अमृतपाल एक तरीके से अपना पूरा नेक्सस अपने हिसाब से चला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ आपका इस जानकारी के लिए।